के साथ और वक्त हो गया आज के पंच का, तो शुरू करते हैं आज की पांच बड़ी खबरों के साथ। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब पर हमले की कोशिश के बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट हो गई, तिहाड़ में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। मंगलवार को FSL के लैब के बाहर BSF तैनात कर दी गई। तीसरे पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए पुलिस भी आफताब को लेकर FSL पहुंच गई है। इससे पहले जेल अधिकारियों के बीच एक मीटिंग हुई थी जिसमें आफताब को फॉरेंसिक लैब ले जाने के लिए रोड मैप तैयार किया गया। इधर श्रद्धा की फैमिली ने होस खास में GCP से मुलाकात की। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि श्रद्धा के पिता ने अपना बयान दर्ज करवाया है। भारत पाक सरहद पर आए ड्रोन को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF ने गिराने में सफलता हासिल की है। खास बात यह है कि इस बार ड्रोन को मार गिराने वाली दो महिला BSF जवान है। ड्रोन के साथ साथ BSF ने हेरोइन की खेप भी बरामद की है। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के अलावा 140 भारत यात्री हैं। इनका हर दिन नया ठिकाना होता है। इनका कैंप एक छोटे गांव जैसा होता है। नए पड़ाव के लिए रोज गांव बसता है और उजड़ता है, वो भी सिर्फ 6 घंटों में। हर पड़ाव के बाद यात्रियों के ठहरने वाले ये कंटेनर फिर नई लोकेशन पर होते हैं। वहाँ पानी, बिजली, सीवेज लाइन जैसे तमाम काम चंद घंटे में पूरे करने होते हैं। देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एम्स दिल्ली का सर्वर हैक करने वाले ने 200 करोड़ रुपए की डिमांड की। हैकर्स ने पेमेंट क्रिप्टो करेंसी में करने को कहा है। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से यह दावा किया है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने किसी तरह फिरौती मांगे जाने की बात से इनकार किया। बता दें कि एम्स का सर्वर बुधवार यानी 23 नवंबर को रैनसमवेयर अटैक करके हैक कर लिया गया। इससे अस्पताल की सेवा बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। गुजरात में प्रचार के लिए पहुंचे खड़गे ने रविवार को सूरत की रैली में खुद को अछूत और प्रधानमंत्री को झूठों का सरदार बताया। खड़गे ने कहा, प्रधानमंत्री खुद को गरीब कहते हैं, लेकिन मुझसे बड़ा गरीब कौन होगा, मैं तो अछूत हूँ।